पिछले तीन चार साल के दौरान आसान बनाने के मौके साबित होती हैं। मौजूद हैं माननीय उपराज्यपाल के साथ डेस्क पे, वो अपने अपने दिए से दिए को जलाते चलो तो वही यहाँ पे एक जिंदा मिसाल बन के हम सब के सामने हो रहा है कि एक दीप की रोशनी से अनेक दीप जलते हैं और यूं रोशनियों का सफर, रोशनियों का कारवां जारी और सारी रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार ने भी 1,99,500 आवास जम्मू कश्मीर को, ताकि सभी जरूरतमंद लोग संतृप्त हो सकें, सैचुरेट हो सकें, दिया था। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कई लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा नाम तो है, हम एलिजिबल तो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है और इसलिए पात्रता होते हुए भी, एलिजिबिलिटी होते हुए भी हमारा घर नहीं बन सकता। इसको ध्यान में रखते हुए फैसला हुआ कैसे लोग जो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन मुहैया कराई जाएगी 5 मरला। यह फैसला हुआ, मैं 2,711 लोगों को जमीन दी गई है। उसके ठीक 2 दिन बाद एक ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था श्रीनगर में, 15-16 राज्यों के हमारे ट्राइबल भाई बहन आए थे, 2 दिन का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में गया था। हमारे सेक्रेटरी हैं, यहीं बैठे हैं डॉक्टर साहिद इकबाल चौधरी, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 47-48 हज़ार आवास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों के लिए आए हैं, उसमें से मोटा मोटी 46 हज़ार के आसपास, मैं सही कह रहा हूँ, ये ट्राइबल भाइयों के लिए। तो मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होगी। तो जो आंकड़ा इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि 8,000 ऐसे लोग होंगे और विशेष रूप से बकरवाल लोग जिनके पास जमीन नहीं है। अब इसको लेकर के भी अगर राजनीति की जा रही है, पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग आकर के तो ये नहीं जमीन ले रहे हैं। आप लोग यहाँ हैं, सब लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, DC साहिबा भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं बारामूला में, क्या एक भी आदमी बाहर का है कोई? इस तरह की बेबुनियाद बातें करके लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूं कि अभी आदत बदलनी चाहिए। जिन लोगों ने दशकों से अपने रसूख के बल पर न सिर्फ सरकारी जमीन पर अपने चहेतों का कब्जा कराया बल्कि उनके आलिशान महल भी खड़ा कराने में भरपूर मदद की, उनको ये हक नहीं है कि गरीबों के अगर घर बन रहे हैं तो उस पर वो व्यंग करें और उसमें अड़चन पैदा करें। अवाम के बीच इतनी बड़ी असमानता जिन लोगों ने पैदा की, हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी, न सिर पर छत थी, और दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से, इलीगल तौर से सरकारी जमीनों पर, लाखों कैनाल जमीनों पर कब्जा करके कुछ चंद लोगों ने अपने महल बनाए और वो भी अपने पैसे से नहीं। उसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वक्त बदल गया है, अब जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता में, जैसा अभी चेयरमैन साहिबा कह रही थी, पसमांदा लोग, जो गरीब है, जो कमजोर है, वही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वही रहेगी, इसमें कोई इसे बदल नहीं सकता है। चंद दिन पहले जब फैसला किया गया तो अनेक बेघर लोग, सबका सपना है कि हमारी छत हो, अपनी छत हो, और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। और मैंने पहले भी कहा कि गरीबों का हक संसाधन पर पहला होगा, और जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उन्हें निश्चित रूप से घर मिले, ये हम सब कोशिश करेंगे। 2021 में माइग्रेटरी सर्वे के दौरान बारामूला में भी 114 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में ट्राइबल प्लान में अगर घर मिलेगा तो वो सरकारी भूमि नहीं दी जाएगी, तो बेचारे घर नहीं बना सकते। और मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर जमीन दी जाएगी, निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें
ये कदम पीछे हटने वाला नहीं है। अब कुछ खास लोगों के लिए प्रशासन चले, मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की हर बात सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और आवाम की तकलीफ दूर हो इसकी हर कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ चंद लोगों के हितों में जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करे। अब ये दिन बदल गए हैं और मुझे लगता है ये बात हवा के बदलते रूप को सबको समय के अनुसार समझ लेना चाहिए। आज इस जलसे में मौजूद मेरे साथी इस बात के गवाह हैं कि लंबे समय तक आम आदमी की आकांक्षाओं को दबाकर रखने की कोशिश की गई, दशकों तक आम आदमी को अधिकार देने की बात को दूर, उनका जो हक था उसे मिलने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थी। एक जादुई एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे सब वक्त गुजर जाते हैं शाम। मुझे आप लोगों की शक्ति पर पूरा भरोसा है, समाज की सामूहिक ताकत से ही उपलब्धियां हासिल होती हैं और विकास को भी तभी रफ्तार मिलती है। आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ने पूरे किए हैं, एक तरह से नया रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर के लिए। 3 वर्षों में 9,229 से 92,500 पहुँचना, और हिसाब लगाने तो प्रतिदिन 252 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में गत वर्ष पूरी हुई। अब इस रफ्तार को 252 से बढ़ाकर 300 हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, अब ये चुनौती इस बात की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रशासन के सहयोगी चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के इस संकल्प को भी पूरा करेंगे। आवश्यकता यह है कि जम्मू कश्मीर समृद्ध हो, और समृद्धि और विकास की पहली और अनिवार्य शर्त होती है शांति। जहां शांति नहीं होगी वहां यकीन मानिए न समृद्धि आ सकती है और न ही विकास हो सकता है। और इसलिए इसमें सबका योगदान, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है, आप 10 लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दें यही बड़ा योगदान है। केवल ये पुलिस आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस फोर्सेस के लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है, इस तरह की हरकत हो रही, तो समाज उसका अगर विरोध नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि जैसा अमन जैसी शांति आप चाहते हैं वैसा अमन और वैसी शांति नहीं स्थापित हो सकती। हर नागरिक जब इस संकल्प के साथ जुड़ेगा, नहीं बहुत हो गया, 50,000 लोग बेकसूर लोग, उसमें से अनेक बेकसूर। कल मैं परसों एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, यहाँ के एक समय पत्थरबाज रहे, या मैं कहूँ कि पुलिस की भाषा में ओजी, जब